वेलकम फ्रेंड्स, फास्ट शूज में आज हम कवर करने वाला है ये वाला आरसी का जो नया मॉडल है, मोटो जीपी एडिशन। गाड़ी दिखने में बहुत अच्छा है, विथ टाइम आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या चेंज है नया आरसी से। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका फ्रंट के ऊपर। बेसिकली इसमें कोई हार्डवेयर चेंज नहीं है, सिर्फ लुक्स का ही चेंज है। तो अगर फ्रंट का आप देख सकते हैं कि ये पूरा वाइजर जो है इसको डार्क कर दिया गया है, इसमें थोड़ा सा भी लाइट थोड़ा सा जा रहा है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है इसमें, लेकिन ज़्यादातर ब्लैक कर दिया गया है। और ये जो RC 200 का जो स्टिकरिंग है, पहले वाला RC से बहुत बड़ा किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं RC 8 RC 16 में MotoGP में जो स्टिकरिंग आता है पूरा उसका ही एकदम कॉपी आउट किया गया है। KTM का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका जो साइज़ है आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये आगे से बड़ा कर दिया गया है। और नीचे रेडी टू रेस का भी एक ग्राफिक्स है। और आर्गोनॉमिक्स का बात करें तो आपका ड्राइविंग पोस्चर पूरा सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है उसमें। अगर आप टैंक का बात करें तो ये पहले जैसा एक ग्लॉसी आता है जैसे कि पुराना RC का है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरा RC है यहाँ का। पुराना वाला जो कलर है इसका, वो भी पुराना नहीं है, सिर्फ एक साल पहले का ही है। उसका भी टैंक फ्रंट में ग्लॉसी आता था, वही सेम टू सेम इसमें भी है, सिर्फ स्टिकर जो है इसको ब्लैक कर दिया गया है। इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। और ये वाला पीछे वाला जो ऑरेंज पार्ट है, ये डुअल टोन में आता था, इसमें सिंगल टोन है, लेकिन इसको ग्लॉसी और इसको मैट कर दिया गया है। और अगर आप पीछे वाला सीट देखें तो सीट भी सेम टू सेम है, सेम अल्कांटारा का कुशनिंग है, कोई भी क्वालिटी में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये सबसे अच्छा चीज़ रहता है KTM का। और यहाँ पर एक अच्छा नया स्टिकरिंग दिया गया है रेसिंग कॉम्पिटिशन का, जो जनरली RC में नहीं लिखा रहता है, इसमें लिखा है ये। और वैसे चेन सस्पेंशन सब सेम है, ये भी 7-स्टेप एडजस्टेबल है पुराना की तरह ही। यहाँ पर देख सकते हैं वन साइड जो फैन रहता है रेडिएटर का है, और दूसरा साइड 200 में नहीं दिया रहता है, ये सिर्फ 400 में देता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी सेम टू सेम है। हम सोचे थे इसको कलरफुल कर देगा MotoGP में, लेकिन इस गाड़ी का जो प्राइस है वो सेम रखा गया है, इसलिए कोई हार्डवेयर ज़्यादा चेंज नहीं किया है। इंजन साउंड का भी अगर बात करें, मैं इंजन साउंड भी आपको सुना दूंगा थोड़ा, वो भी नियरली सेम ही है। मैं नियरली नहीं बोलूँगा, एकदम फुल टू सेम है गाड़ी का, कोई इंजन का साउंड भी चेंज नहीं है। अब इस साइड से भी इसका ग्राफिक देख सकते हैं, गाड़ी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आज के डेट में अगर आप कोई RC ले रहे हैं तो मैं भी बोलूँगा सेम प्राइस में आ रहा है, इसलिए आपको यही लेना चाहिए। तो इसमें आप पुराना जो ब्लैक और ग्रे में कलर आ रहा है उन दोनों से ये दिखने में ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपको फ्रंट विजर जैसा कि ये ब्लैकआउट है, लेकिन मेरा ट्रांसपेरेंट ही ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर ये आपको अगर इशू है तो अलग बात है। जैसे कि मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, लेकिन ओवरऑल ऑरेंज के साथ ब्लैक मैं बुरा नहीं बोलूँगा, एकदम फर्स्ट क्लास है। ऊपर से इसका साइड लुक सबसे अच्छा लगता है। तो आपका क्या प्रेफरेंस है अभी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने तो मेरा जो बोलना था मैं बता दिया ऑलरेडी। और ऊपर से गाड़ी में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, कोई भी क्रॉस कट नहीं किया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एकदम सेम टू सेम है, सिर्फ ग्राफिक्स को छोड़ के कोई भी चेंज नहीं है गाड़ी में। और मेरा एक और वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ये जो आपका हस्बैंड है वाइट कलर का, इसका भी एक वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा नया नया अपडेट देखने के लिए ऐसा ही। और यहाँ पर जो नया कलर है ड्यूक का, इसका भी ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरा चैनल में है, आप देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। RC अगर आपको अच्छा लगा है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने के लिए मत भूलिएगा, और नहीं भी लगा है वो भी बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।